Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ishita Khurana, a third professional MBBS student at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ विच यू शुड नो राइट नाउ राइट हेयर. बिकॉज अगर आपको ये चीज़ें मैं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या एक महीने पहले बताऊंगी ना नीट के, सो इट वॉन्ट बी ऑफ दैट मच बेनिफिट जो ये आज होने वाली हैं. तो इसलिए जितने भी लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर नीट बट फॉर जेई या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इनफैक्ट फॉर बोर्ड्स, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये मेरे पर्सनल सीक्रेट्स हैं या वेज हैं जो मैंने खुद एक्सप्लोर किए थे, जिनसे मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी एग्जाम में. एंड दिस could help me fetch more marks and gave me an extra edge over other students. So without any delay, let's get into the video. So सबसे पहले तो the idea of making cheat sheets is the best. I am telling you, अगर आपको लगता है कि for example, मैं आपको खुद का example देती हूँ, जैसे inorganic chemistry के orders जो हैं वो बहुत मुश्किल होता है याद रखना, organic chemistry के reactions जो हैं वो बहुत मुश्किल होता है याद रखना, named reactions याद रखना, अलग अलग reactions याद रखना. तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर मैं सब चीज़ों को एक साथ लिख दूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो जो कन्फ्यूजन रहता है कि ये वाला रिएक्शन कहाँ था, ये वाला ऑर्डर कैसे था, वो सारा कन्फ्यूजन मिट जाएगा. एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ये हमें भी पता है. तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दो A4 साइज शीट्स ली, प्लेन वाइट, उनको फोल्ड किया और उसके ऊपर मैंने जितने इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स मैंने आज तक पढ़े थे, मैंने सारे एक पेज पे लिख लिए जो इंपॉर्टेंट थे. ये नहीं कि फालतू के ऑर्डर्स जो कभी आएंगे नहीं, कभी पूछे नहीं जाएंगे, वो भी लिख लिए. जितने मेरे टीचर ने नोट्स में और जितने NCERT में थे, जितने भी मेरे को समझ में आए जो आते हैं ज़्यादा, वो मैंने उन पेजेस पे लिख लिए. एंड उस पेज में, उस 1.5 पेज पे सारे इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बार बार भूलती हूँ वो लिख लिया. सिमिलरली मैंने ऑर्गेनिक के लिए एक चीट शीट बना ली. अब मुझे जब भी कोई भी टेस्ट देना होता था फुल सिलेबस, तो मैं उससे पहले बस एक बार इनऑर्गेनिक के सारे ऑर्डर्स और ऑर्गेनिक के फटाफट रिएक्शंस देख लेती थी. और ऐसे करते करते मैंने वो इतनी बार देख ली कि मुझे लिटरली 5 मिनट भी नहीं लगते थे सारे देखने में. एंड इट मेड माय रिवीजन सो एफिशिएंट कि लास्ट में मुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इतना टिप्स पे हो गया था, क्योंकि मैं वो पेजेस इतनी जल्दी जल्दी देख लेती थी. सो दैट इज़ द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग थिंग्स एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ नॉट हैविंग दोज कन्फ्यूजन. अगर आप सब कुछ अलग अलग जगह लिखोगे, बहुत बड़ी बड़ी नोटबुक्स में लिखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूलोगे. तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ये सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके एक जगह पे लिखो, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओ और आपका मन का जो कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाए. सिमिलरली आप ये बायो के लिए कर सकते हो कि जितने ईयर्स हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं, वो एक जगह आपने लिख लिए. जैसे मैंने इकोलॉजी में जितनी फिगर्स थी वो सारी एक पेज पे लिख ली, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज रहती थी कि कितना नंबर है, मैं नंबर्स में काफ़ी कन्फ्यूज रहती थी, वो मैं सब एक जगह लिख लेती थी. सो दिस इज़ माई टिप नंबर 1 कि आप चीट शीट्स बनाना शुरू कर दो. और ये आप एंड मोमेंट पे नहीं बना पाओगे, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही ये चीज़ें होती हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने लग जाती हैं. तो ये आपको 10 दिन पहले बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब टाइम ही नहीं होगा पढ़ने का इतना. बट अभी ये बनाने का बहुत ज़्यादा फायदा है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. दूसरी चीज़ है फॉर्मूला बुक. फॉर्मूला बुक मैंने हमेशा एम्फोसाइज किया है कि फॉर्मूला बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. मेरे पास अपनी फॉर्मूला बुक्स थी एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने उसको यूज़ किया है. जैसे सिमिलरली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़े, वैसे फॉर्मूला बुक पढ़ती रहती थी सुबह उठ के. कोई भी टेस्ट है उससे पहले फॉर्मूला बुक पढ़ ली, तो इतनी बार देख लिया कि फॉर्मूलाज टिप्स पे थे. कोई क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करना अपने आप आ जाता था अगर फॉर्मूला याद हो तो, और आपने थोड़ा बहुत एप्लीकेशन सीखा हो. तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप फॉर्मूला बुक अपनी साथ साथ में बनानी शुरू करो. अब वही चीज़ 10 दिन पहले मैं आपको बोलूँगी तो आप कैसे अपनी फॉर्मूला बुक बना पाओगे, लेकिन अभी टाइम है जब आप अपनी साथ साथ फॉर्मूला बुक बना सकते हो. तीसरी चीज़ है, जो भी आपके क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उसमें आप क्वेश्चंस को, जो आपके डाउट क्वेश्चंस हैं या जो आप बार बार गलत करते हो, उनको हाईलाइट और स्टार मार्क ज़रूर करके रखो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ऐसा क्वेश्चन है जो आप कभी समझ नहीं आता, वो हाईलाइट करके रखो, ताकि पेपर से पहले जब आप पूरा सिलेबस रिवाइज करो फिजिक्स का, तो आप फटाफट से वो क्वेश्चंस वाला, जहां से आपने क्वेश्चन किया वो खोलो, और जो जो 3-4 क्वेश्चन स्टार मार्क वाले हैं, 4-5 क्वेश्चन स्टार मार्क वाले, वो फटाफट देख लो कि अच्छा ये ऐसे होता था, ठीक है मुझे समझ आ गया, ताकि आप वो चीज़ें भी रिवाइज कर पाओ. अगर आपको 50-100 क्वेश्चन होंगे उसमें, फिर आप वो क्वेश्चन कहाँ दोबारा ढूंढोगे. और ये चीज़ें अगेन आप नीट से पहले जस्ट नहीं कर सकते, या अभी करने का टाइम है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब आपको लग रहा है क्वेश्चन मैं हमेशा भूलती हूँ, हमेशा गलत करती हूँ, तो उसको वहीं हाईलाइट करके रख दो. उसके बाद जो मेरी टिप रहेगी वो ये है कि आपकी एक मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए, या फिर मैं पर्सनली जो करती थी वो ये था कि जितनी मेरी गलतियाँ होती थी टेस्ट में, जो भी मैं टेस्ट देती थी, उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
नहीं तो वो जो 3 घंटे आपने टेस्ट दिया है ना मॉक टेस्ट, वो भी वेस्ट हो गए। तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनालिसिस इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर फाड़ के फेंक दो, आपको किसी काम का ना हो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर को आपको निचोड़ लेना है कि उसमें जितनी गलतियाँ हैं, जितने नए कॉन्सेप्ट हैं, वो सब आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो मैं पर्सनली यह करती थी, ऐसे जो भी चीज़ें होती थी वो मैं अपने नोट्स में वही ऐड कर लेती थी, ताकि जब भी मैं वो नोट्स दोबारा पढ़ूँ तो मुझे वो गलती भी याद आ जाए। पर बहुत सारे लोग एक मिस्टेक नोटबुक भी बनाते हैं, वो आपकी कन्वीनियंस है, आप जैसे करना चाहो। बट पर्सनली मुझे थोड़ा, मैं प्रोकेस्टिनेट करती थी, मैं मिस्टेक नोटबुक बना तो लेती थी पर वो मैं कभी पढ़ती ही नहीं थी। और मैंने 2-3 बार ये ट्राई किया तो मैंने ये सोचा कि मैं नोट्स में ही ऐड कर लूँ, ताकि जब भी मैं नोट्स पढ़ूँ तो मैं वापस पढ़ूँ वो चीज़ें। बट अब अगर आपको मिस्टेक नोटबुक ज़्यादा सूटेबल लगती है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये था मेरा एक और पर्सनल टिप जो मुझे लगता है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया और जिससे मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं। उसके बाद आपके नोट्स बहुत प्रॉपर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और बहुत कंपाइल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 नोटबुक बना ली, एक नोटबुक उधर फेंक रखी है, एक नोटबुक उधर फेंक रखी है। सब कुछ एक जगह पे लिखो, प्रॉपर लिखो, क्योंकि जितना क्लैरिटी आपकी नोटबुक में आपके बाहर होगी ना, उतनी ही क्लैरिटी आपके दिमाग के अंदर होती है। तो जितने क्लियर आपके नोट्स होंगे, जितना साफ साफ सब लिखा होगा, उतना ही आपको याद रहेगा। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको वही चीज़ याद आएगी कि मेरे नोटबुक में ऐसे लिखा था। पर अगर वही नोटबुक में ऐसे खिचड़ी बना के लिखा हुआ तो कुछ याद नहीं आएगा वहाँ पर। तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपके नोट्स से आएगी। तो बेसिकली नोट्स बहुत आपको अच्छे करने हैं, चीट शीट्स आपको बनानी है, हाईलाइट करके रखने हैं क्वेश्चन, स्टार मार्क करके रखने हैं क्वेश्चन। और बायो में मैं ये भी करती थी कि जो मुझे लगते थे कि स्टेटमेंट्स कुछ कुछ मुझे लगती थी, उसको मैं एनसीईआरटी में एक बिल्कुल डिफरेंट कलर ऑफ पेन से मार्क करके रखती थी, कि मतलब ये स्टेटमेंट ऐसी है जो एज इट इज आती है और मुझे कभी याद नहीं रहती, तो उसको भी मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करके रखती थी। सो दीज आर सम टिप्स जो मुझे ऐसा लगता है यू शुड नो राइट नाउ, एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग देम फ्रॉम राइट नाउ, बिकॉज अगर लास्ट मोमेंट पे ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है, दे आर ऑफ नॉट मच यूज़। अब अभी से ये करनी है आपको, ताकि आपको एंड में आप बहुत जल्दी सिलेबस रिवाइज कर पाओ। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली रियली डिड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप लाइक भी कर देना वीडियो को, कॉमेंट करके भी मुझे बताना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैंने बहुत सारा नीट का कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। प्लीज़ यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, आपको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प होगी। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक नया पेज बनाया है, जहाँ पे मैं अपने एजुकेशनल कंटेंट, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, इशिता सेडवॉर्ड। आप वो भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट इशिता घुराना 20 भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।